ये है कामाख्या आनंद विहार स्पेशल ट्रेन। ये कामाख्या स्टेशन से राजधानी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो रही है। लेकिन इसको हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन इस बार अब इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है। अब इसको रास्ते में कोई इंजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का यह सफ़र अपने आप में खास हो गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए ये ट्रेन राजधानी दिल्ली की तरफ रवाना हो गई है। हम आपको बता दें कि रानी नगर जलपाईगुड़ी गुवाहाटी के बीच में 382 किलोमीटर का हिस्सा अब इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। इससे अब इंजन को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी दिल्ली से चलकर असम तक बिजली के इंजन से ही गाड़ी सरपट दौड़ेगी। यानी कामाख्या से जो ट्रेन चलेगी वो दिल्ली तक एक ही इंजन में भागती हुई चली आ सकती है। पहले क्या होता था कि आपको रास्ते में इंजन बदलना पड़ता था, जिससे ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ये काम हम कह सकते हैं आसान हो गया है। तो देखिए किस तरीके से ट्रेन चली।